तो तुम लोग पिछले कुछ वीडियो में तो जान ही गए होगे कि ग्रीन हीरो ब्रायन कौन है, पर तुम लोग को ये पता नहीं होगा कि ग्रीन हीरो ब्रायन आखिर एक हीरो ब्रायन बना कैसे। तो ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब ग्रीन हीरो ब्रायन एक नॉर्मल इंसान था एंड वो एक माइनक्राफ्ट के विलेज में अपने भाई लैरी के साथ रहता था। तो एक दिन लैरी केव के अंदर आयरन माइनिंग करने गया था एंड उसे माइनिंग करते करते वहां से एक मैजिकल स्टिक मिली, जिसको कि गॉड ने उस केव के अंदर छुपाया था ताकि वो किसी गलत इंसान के पास न चला जाए। वो स्टिक इतना पावरफुल था कि उसके बस एक हिट से हम लोग किसी भी एंटिटी को मार सकते थे। बट लैरी ने डिसाइड किया कि वो स्टिक को गॉड को वापस कर देगा, बिकॉज वो नहीं चाहता कि वो स्टिक किसी गलत हाथ में चला जाए। पर उससे पहले कि वो स्टिक को वापस करता, इस बात का पता माइक के भाई क्रेन को लग जाता है एंड जिसके बाद क्रेन लैरी के पास आता है एंड वो उससे वो स्टिक मांगता है। उस स्टिक के बदले क्रेन लैरी को ढेर सारी पावर्स देने के लिए तैयार हो जाता है, बट लैरी ने क्रेन को स्टिक देने से साफ मना कर दिया था। एंड जैसे ही लैरी उस स्टिक का यूज करने ही वाला होता है कि वैसे ही क्रेन ने अपनी सारी पावर्स का यूज करके लैरी को मार दिया एंड उस स्टिक की वजह से क्रेन इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। एंड अब अगर ग्रीन हीरो ब्रायन को अपने भाई के मौत का बदला लेना है तो उसे क्रेन से भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। तो स्पॉन होते के साथ ही मैं सबसे पहले ईस्ट की तरफ जाता हूँ, बिकॉज क्रेन को मैंने उसी तरफ जाते हुए देखा था। आज तो उस क्रेन को मैं छोड़ूंगा नहीं, बस मुझे पता लग जाए कि वो मरेगा कैसे। तो चलो अभी सबसे पहले ईस्ट की तरफ जाते हैं एंड उसे ढूंढते हैं, लेट्स गो। ये क्या है? ओ भाई, ये रेत वाला मेंढक। एंड ये कौन से जानवर है यार? कुत्ते बिल्लियां सारे जानवर क्या रखे हैं यहाँ ब्रो? लिटरली मतलब क्रेन के आने के बाद क्या क्या वर्ल्ड में चेंज हो गया। एंड वो क्या है? ओ सामने विलेज है। ओ भाई, आते के साथ विलेज मिल गया। अरे यार मस्त है। जिसके बाद मैं इस विलेजर से खाना मांगता हूँ एंड इसने मुझे कुछ ब्रेड्स दिए। देन ये विलेजर मुझसे पूछता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैंने इसको क्रेन और मैजिकल स्टिक के बारे में सब कुछ बता दिया। तो उन गांव वालों ने मुझे बताया कि क्रेन एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है एंड उसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिसके बाद उसने मुझे बताया कि एक आदमी जो जानता है कि मैं क्रेन को कैसे मार सकता हूँ, उसका नाम जॉन है। इस वर्ल्ड में बस जॉन है जो क्रेन को मारने का तरीका जानता है। जिसके बाद मैं उससे जॉन का एड्रेस लेता हूँ एंड निकल जाता हूँ वहाँ से जॉन के घर की तरफ। देन ऑलमोस्ट घंटों तक चलने के बाद मुझे फाइनली जॉन का घर मिल ही जाता है। भाई यार, मेरा चल चल के हालत खराब हो रखा है, अब मैं कब पहुंचूंगा? एंड ये क्या है भाई? भाई ये महल किसका है? व्हाट, क्या खतरनाक घर है यार, झरने वरने फुल लगा रखे हैं। ब्रो इस घर में कोई है क्या? अरे भाई तुम मार ले मुझे पहले। यार ये तो इसके मॉन्स्टर आ रखे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रखा है अलग से। अरे जॉन भाई, आपका घर है क्या? अरे हाँ, वैसे विलेजर ने मुझे ये भी बताया था कि जॉन एक मॉडर्न हाउस में रहता है। मतलब मॉडर्न हाउस तो मुझे बस यही मिला अभी तक, जिस एड्रेस पे मैं आया हूँ। सो मे बी ये जॉन का ही घर है। भाई जॉन से मैं पूछता हूँ कि ये घर कहाँ से मिला उसको। हेलो जॉन भाई। हेलो जॉन। ओ भाई क्या तोते, यार क्या मस्त घर है, क्या व्यू है। अरे भाई 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 गिर गया। अरे जॉन भाई किधर हो? ओ ये क्या? हेलो जॉन भाई। हेलो। अरे मुझे वो डेजर्ट विलेजर ने मुझे यहाँ भेजा आपके पास। फिर जॉन मुझसे पूछता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिर मैं जॉन को अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ, जिसके बाद जॉन ने मुझे बोला कि क्रेन को इस वर्ल्ड के अंदर किसी भी वेपन से मारना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बट हाँ अगर मुझे हीरो पार्टिकल्स की पावर्स मिल जाते हैं तो मैं जॉन को इजिली मार सकता हूँ। बट वो हीरो पार्टिकल्स हीरो ब्रायन के पास है एंड जब से हीरो ब्रायन की हीरो सॉर्ड जोकर के पास गई है, तब से हीरो ब्रायन बस एक स्टोन का स्टैचू बना हुआ है। तो अगर मैं हीरो ब्रायन की हीरो सॉर्ड जोकर से लेके हीरो ब्रायन को वापस कर दूं, तो उसके बदले मुझे हीरो पार्टिकल्स भी दे सकता है। एंड अगर हीरो पार्टिकल की पावर लेने के बाद मुझे क्रेन को मारना है तो मुझे उसके वर्ल्ड फीनिक्स के अंदर जाना होगा। बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज उस वर्ल्ड के पोर्टल के पास दो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर उसका पहरा दे रहे हैं। बट मुझे क्रेन को कैसे भी करके मारना था, तो मैं जॉन को इन सब चीजों के लिए हाँ बोल लेता हूँ। जिसके बाद जॉन ने मुझे कुछ आर्मर और टूल्स दिए ताकि मैं इस वर्ल्ड को क्रेन से बचा सकूं। एंड साथ ही में मुझे जॉन ने ये भी बताया कि मैं इस सॉर्ड का यूज सिर्फ एक ही एंटिटी मारने के लिए कर सकता हूँ। जिसके बाद मैं जॉन को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं हीरो ब्रायन का घर ढूंढ ही रहा था कि मुझे रास्ते में एक विलेज मिल गया, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जाके थोड़ा खाना मांग लूं। जिसके बाद मैं उस विलेज के अंदर जाता हूँ। भाई यार ये हीरो ब्रायन रहता किधर है? ओ व्हाट, ये एक विलेज है? एंड जैसे मैं उन लोगों से खाना मांगता हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया कि उनके पास ये हे बेल्स के अलावा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ से क्रेन सब कुछ लूट के चला गया एंड साथ ही में उनके एक साथी को इसके ऊपर रख दिया। एंड ये लोग ने बहुत ट्राई किया बट ये लोग इसको नीचे नहीं ला पाए हैं, तो अब मैं इनके हेल्प कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं वुड्स तोड़ता हूँ, देन क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड वुडन पिकैक्स, देन मैं थोड़े स्टोन्स तोड़ लेता हूँ, बिकॉज स्टोन की पिकैक्स मुझे आगे भी काम आएगी। फाइनली मेरी पिकैक्स रेडी है एंड अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ। हेलो भाई, आ गया हूँ तुम्हें बचाने मैं। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना देता हूँ। ये रहा कबल स्टोन। अरे भाई तुझे ऐसे ही आना था तो बोल देता ना, मेरे स्टोन्स क्यों वेस्ट किए? अरे चलो कोई बात नहीं।
अरे अरे थैंक यू कि इसमें क्या बात है। जिसके बाद उस विलेजर ने मुझे ये बताया कि उनके पास बहुत सारी मैजिकल चीजें थी बट क्रेन उन सभी चीजों को लूट के चला गया। बट इस विलेजर ने एक मैजिकल ब्रूम को अपने पास छुपा के रख लिया था जिसको कि अब मुझे दे रहा है। अरे यार ये झाड़ू क्या दे रहा है मुझे, मैं क्या तुम्हें मतलब झाड़ू मारने वाला वो कर्मचारी दिख रहा हूँ? लगाऊं झाड़ू? 300 रुपए दिन का दे देना मुझे बस। यार ये क्या मुझे गिफ्ट देता है, ये क्या है? मैं इसके ऊपर बैठ कैसे गया? मैं हैरी पॉटर हूँ क्या? हेलो व्हाट इज दिस? अरे भाई पानी के अंदर तो ये टूट गया। हेलो विलेजर भैया ये क्या दे दिया आपने, ये तो मैजिकल चीज है। पहले बताना था ना कि ये उड़ती भी है। आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड सॉरी भी ये सब बोलने के लिए। चलो चलो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और निकलता हूँ हीरो ब्रांड के घर की तरफ। जिसके बाद मैं बहुत दिनों तक हीरो ब्रांड का घर ढूंढता रहा बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। बट एक दिन फाइनली, यार हीरो ब्रांड का घर कितना दूर है, मुझे जॉन ने तो एग्जैक्ट एड्रेस बताया बट मुझे नहीं लगा था कि इतना दूर होगा वो। ये थोड़ा अलग सा बायोम नहीं लग रहा है? बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा है ये तो। ये हीरो ब्रांड का घर है भाई? वो जॉन सठिया वठिया गया क्या, इसको घर बोलते हैं? यार ये महल है महल। चलो चलो मैं इसके अंदर जाता हूँ भाई, पहली बार किसी महल के अंदर एंट्री कर रहा हूँ वरना तो ऐसे मैं खटारों घरों के अंदर रहा हूँ। ओ ये कौन राजा है? भाई 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 मैं दूसरे के घर में इतना क्यों घूम रहा हूँ? चलो 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 मैं अपना काम करता हूँ। हीरो ब्रायन आई थिंक कि ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है बिकॉज नीचे तो मुझे कुछ दिखा नहीं। यार क्या कॉम्प्लिकेटेड सीढ़ी है इसकी, ये क्या यार कैसा घर है? हीरो ब्रांड को मेरी देखते ही फट गई। बाय 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 बाय, मैं नहीं जा रहा ऊपर, मुझे डर लग रहा है। हीरो ब्रांड वैसे खड़ा है बट जाना तो पड़ेगा। अब हिम्मत करता हूँ और निकल लेता हूँ यहाँ से। हेलो हेलो हीरो ब्रांड सर, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि मैं उसकी स्वॉर्ड उसको वापस ला के दे सकता हूँ बट उसके बदले मुझे चाहिए होगा हीरो पार्टिकल। पहली बार में तो उसने मुझे हीरो पार्टिकल देने से मना कर दिया बट जब मैंने उसको बोला कि ठीक है फिर मत लो तो लास्ट में वो हीरो पार्टिकल देने के लिए मान गया। एंड साथ ही में उसने ये भी बोला कि अगर मैं उसको वो स्वॉर्ड 2 दिन के अंदर ला के दे दूं तो वो ये महल मुझे दे देगा। एंड भाई मुझे तो ये महल बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसको कैसे भी करके 2 दिन के अंदर ला के वो स्वॉर्ड दे दूंगा। चलो गाइस फाइनली हमें डील मिल चुका है, अब हमें हीरो पार्टिकल मिल जाएगा। जिसके बाद मैं निकल जाता हूँ जोकर टेम्पल की तरफ हीरो स्वॉर्ड लाने के लिए। यार ये सबके घर इतने दूर क्यों होते हैं? पहले उसका घर ढूंढो, फिर जॉन का घर ढूंढो, फिर इसका घर ढूंढो, ये ढूंढो वो ढूंढो, मतलब क्या ढूंढ रू? ये तो मुझे ये ब्रूम मिल गया तो मैं यहाँ तक पहुँच भी गया वरना मैं रास्ते में ही मर जाता। यार कब मैं पहुंचूंगा? ये क्या है भाई? आज मुझे ऐसे ऐसे घर दिखे ना मैं क्या बताऊं भाई, ये कौन सा टेम्पल है? वो दिस इज लेजिट मस्त सा। अबे सांड भैया मत मारो यार, अगर मैं इस स्वॉर्ड का यूज करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। नहीं इसको पिकैक्स से मारूंगा। मर जा मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना ये मुझे मार देगा। वो क्या घर है यार, मतलब इसका इंजीनियर मतलब कौन सा क्वालिफाइड होगा, मतलब मैट्रिक पास इंजीनियर। चलो चलो अब टाइम पास नहीं करते, हम लोग जल्दी से ढूंढ लेते हैं जोकर को। मुझे क्या लगता है ना ऊपर जाने का तो रास्ता है नहीं, तो मुझे लगता है पानी के रास्ते से जाना है मुझे। चलो चलो मैं जाता हूँ पानी के रास्ते से ऊपर। क्या मस्त रास्ता बना इसने। अरे आइसक्रीम वाला, अरे जोकर 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 नीचे 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 चलो। हेलो जोकर भैया, हेलो भैया मत मारो। नहीं मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये गया नीचे, मर गया भाई। ये तो सच में हमें राइडर वाला जोकर निकला। यार जहां तक मुझे पता है ये पिकैक्स से तो किसी जन्म में नहीं मरने वाला है। मैं नीचे से जाके इसको मारने का ट्राई करता हूँ भाई। ऐसे ऐसे चीखे मत मार प्लीज। क्या डैमेज दे रहा है ये मुझे? प्लीज भाई मत दे डैमेज मुझे, मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे पास ब्रेड नहीं है खाने को। अब मुझे स्वॉर्ड यूज करना पड़ेगा। ओ मर गया, ये क्या हो रहा है? ओ भाई ये क्या हो रहा है, मेरी स्वॉर्ड कहाँ गई? यार जैसा कि जॉन ने बोला था कि एक एंटिटी को मारने के बाद स्वॉर्ड गायब हो जाएगी। शिट यार एक ही तो स्वॉर्ड थी मेरे पास, अब क्या मैं हाथ से मुक्के मारूंगा उनको? एंड जहां तक मुझे पता है कि जोकर ने स्वॉर्ड को कहीं लॉक करके रखा है एंड की जोकर के पास ही थी, तो मेरे हिसाब से तो मैंने जहां जोकर को मारा है वहीं की होना चाहिए। अगर मैं सही सोचूं तो की यही होगा। ओ लिटरली की यही है एंड मेरे हिसाब से ये वाला चेस्ट होना चाहिए। यस फाइनली यस। व्हाट स्वॉर्ड कहाँ है? इसमें तो बस एक्स वगैरह है, स्वॉर्ड किधर है? चलो मैं सेकंड वाले चेस्ट को खोलता हूँ। प्लीज प्लीज इसमें मिल जाना प्लीज 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 प्ली
फाइनली हीरो स्वॉर्ड। यार ये स्वॉर्ड कितनी पावरफुल है। फाइनली हमने जोकर को भी मार दिया एंड अब हमें जाना है हीरो ब्रायन के पास। यार इन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया। नहीं 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 मुझे मत मारना, मेरे पास बहुत कम हार्ट्स है। मेरे पास भाई 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 झाड़ू 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल चल जल्दी। भाई ये कहाँ से आ गया यार, बदला लेना बाद में ले लियो। नहीं 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 मेरे झाड़ू प्यारे जागो जागो झाड़ू प्यारे जागो 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 चलो चलो भागो भागो भागो। ये 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 यस यस फाइनली हमने एस्केप कर दिया है। ओ बल्ले बल्ले ओ सावा शावा ओए आहू आहू फाइनली मुझे मिल गया हीरो स्वॉर्ड। आज तो सीधा मैं कासल के ऊपर ही लैंड करूंगा इसको। चल मेरे घोड़े टुक टुक, चल मेरे झाड़ू टुक टुक टुक, चलो चलो घर के अंदर ही लैंड करेंगे। अरे भाई यहाँ तो शीशा लगा हुआ है। चलो कोई ना, हम लोग गेट से जाएंगे। अब ऑफिशियली हम लोग इस घर के जो मालिक है। चलो चलो सीढ़ियों के ऊपर। हेलो हीरो ब्रायन सर, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपका स्वॉर्ड वापस आ चुका है ये। बट उससे पहले आपको वो शर्त याद है ना? हाँ वही शर्त। तो चलो आप मुझे पहले हीरो पार्टिकल दो, देन मैं आपको वो स्वॉर्ड देता हूँ। जिसके बाद हीरो ब्रायन मुझे हीरो पार्टिकल दे देता है एंड मैं उसको उसकी स्वॉर्ड भी वापस कर देता हूँ। एंड साथ ही में मुझे हीरो ब्रायन ने इसको यूज करने की पूरी रेसिपी भी बता दी। थैंक यू हीरो भैया। एंड वैसे आप चाहो तो इस महल के अंदर रह सकते हो, हम दोनों साथ में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो अभी मैं फिलहाल के लिए तो चलता हूँ। एक सेकंड मुझे काम था। भाई ये कहाँ गया? हेलो वेट, कहाँ गया ये? हर जगह मैंने देख लिया बट हो किधर तुम? अरे मुझे क्या, छोड़ो जाने दो। जिसके बाद फाइनली बारी आती है हीरो पार्टिकल को यूज करने की। एंड जैसा कि हीरो ब्रायन ने बताया था कि सारा सामान झरने के पास है। एंड यस यस झरने के पास ये चेस्ट है एंड इस चेस्ट के अंदर यस यस सारा सामान है इसके अंदर। तो जैसा जैसा उसने मुझे बोला था मैं वो सब पहले कर लेता हूँ। तो फाइनली मेरा सेटअप रेडी है एंड अब मुझे इसके बीच में सारा सामान ड्रॉप करना है। 1 2 3 4 व्हाट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हेलो यार ये हो क्या रहा है आखिर? ब्रो ये क्या हुआ? व्हाट, मैं एक हीरो ब्रांड बन चुका हूँ। लाइक रियली मैं एक हीरो ब्रांड बन चुका हूँ। मींस कि हीरो पार्टिकल जिसके पास भी होता है वो एक हीरो ब्रांड बन जाता है एंड उसके पास ढेर सारी पावर्स आ जाती है। अब वो क्रेन मुझसे नहीं बच सकता। अब उसे पता लगा कि उससे भी ज्यादा पावरफुल कोई इस वर्ल्ड के अंदर है। तो चलो अब मैं अपने फाइनल लोकेशन फीनिक्स पोर्टल के पास जाता हूँ। जिसके बाद मैं निकल जाता हूँ फीनिक्स पोर्टल की तरफ। वो पोर्टल समंदर के बीच किसी आइलैंड के ऊपर था एंड फाइनली मुझे वो पोर्टल मिल गया। भाई मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है, मुझे बस वो पोर्टल दिख जाए एक बार। वेट व्हाट, वो क्या है? 2 मॉन्स्टर 1 पोर्टल, मतलब कि यही है फीनिक्स पोर्टल। सबसे पहले मुझे इन मॉन्स्टर्स को मारना होगा वरना मैं इसके अंदर एंटर नहीं कर पाऊंगा। आजा मॉन्स्टर। ये वाह, लिटरली 2 हिट में मर गया ये। मेरे पास ये पावर भी है, मैं मीटियोर भी गिरा सकता हूँ। वो इनको तो मैंने बिल्कुल इजीली हरा दिया। एंड अब फाइनली टाइम आ चुका है इस पोर्टल के अंदर एंटर करके अपने भाई की मौत का बदला लेने का। चलो फाइनली टेलीपोर्ट हो गया। वो कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, बट ये क्रेन कहाँ छुप के बैठा है? हेलो क्रेन, मैं आ चुका हूँ तुझे बताने कि कौन ज्यादा पावरफुल है। आ चुका है तो तू क्या कर लेगा, तू तो वैसे भी एक छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा, एक बार बस तू मेरे सामने आ जा फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ, तेरे लिए तो मेरे सेना के कुछ लोग ही काफी है। ये क्या हुआ, और वो लोग कौन है, वो कहाँ से आए? वो आए नहीं, लाए गए। फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। ये क्या, ये लोग तो गायब हो सकते हैं, मैं इनको कैसे मारूं? अब पता लगा कौन ज्यादा पावरफुल है। अच्छा वो तो पता लगेगा इनकी कौन ज्यादा पावरफुल है। बस एक मीटियोर रेन में तो तुम्हारी पूरी सेना खत्म हो गई। वो तो मेरे सेना के सबसे कमजोर सिपाही थे। वो भाई ये कौन है, ये जीप से सांप? भाई ये कौन है, मर जा। अरे यार ये लोग तो बस चिल्ला कर मुझे दूर फेंक दे रहे हैं। नहीं नहीं प्लीज यार, ये तो मुझे पास में नहीं आने दे रहा है। चलो कोई ना, अपने मीटियोर का यूज करते हैं।
चल चल निकल। तूने इसको कैसे हराया? इनको तो कोई भी हरा नहीं सकता है। अब मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक हीरो ब्रायन बन चुका हूँ। क्या? बट हीरो ब्रायन तो बस हीरो पार्टिकल से ही बन सकते हैं। तो तुझे क्या लग रहा है, मैं रिश्वत दे के हीरो ब्रायन बनाऊँ? हो भी सकता है। चल चल डरपोक कहीं के, अपना शक्ल तो दिखा नहीं रहा है मुझे, तू छुप के ये सब कर सकता है। वे वे वेट, कहीं यही तो नहीं है ये? ब्रो ये तो उड़ भी सकता है भाई, क्या खतरनाक आदमी है ये। चलो आधी हेल्थ गई इसकी। व्हाट, इतना पिद्दी है ये? ब्रो ये तो ऐसा ही मर जाएगा। आ, 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 अरे 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 बेब्लेड क्यों खेल रहा है? मेरा टोटम गया। अब बच के खेलना है मुझे, अब बच के खेलना है। चलो चलो बच गया। अच्छा वो कि मैंने अपनी पावर्स का यूज करके शील्ड मंगा लिया, वरना मैं कब का मर जाता। चल बे तू मुझे कैसे मारेगा? ब्रो मेरी शील्ड जाने वाली है। नो, भाई मुझे उड़ के भागना पड़ेगा यहाँ से। चल झाड़ू भैया यहाँ से निकाल दे मुझे। अब मैं थोड़ा अपनी हेल्थ को बढ़ा लेता हूँ एंड फिर आता हूँ नीचे। हेलो क्रेन सर, ऊपर देखिए मौसम बिगड़ने वाला है। भाई अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये फुल फॉर्म में आ चुका है, ये मुझे पकड़ नहीं सकता, मुझे मारेगा क्या? जैसा भगोड़ा तेरा भाई था वैसा ही तू भी एक भगोड़ा है। साले बुलडोजर, ये बोल के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाला है। चल मर जा साले। फाइनली क्रेन मर चुका है एंड वो मैजिकल स्टिक भी मेरे पास आ चुकी है। तो अब ये स्टिक इस वर्ल्ड के अंदर नहीं रहने वाला, मैं ये स्टिक गॉड को वापस कर रहा हूँ। गॉड आपके हेल्प चाहिए। हाँ बोलो क्रेन हीरो ब्रायन। गॉड आप मुझे जानते हो? शायद तुम भूल गए हो कि मैं गॉड हूँ और मैं सबको जानता हूँ। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि कैसे तुमने क्रेन को मार के स्टिक को वापस लिया। एंड अब तुम चाहते हो कि मैं स्टिक को वापस ले लूँ? यस गॉड, बिकॉज अब मैं नहीं चाहता कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई और मरे। एंड आज से मैं तुम्हें इस वर्ल्ड का किंग डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच गॉड एंड ऑल्सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे लिए नहीं सही तो ये झाड़ू महाराज के लिए तो कर ही देना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।